सो है गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पोस्ट अपने आप डिलीट हो गया, वापस कैसे लाएं। इंस्टाग्राम पोस्ट ऑटो डिलीट प्रॉब्लम पार्ट, मतलब कि इंस्टाग्राम आपके मतलब कि इंस्टाग्राम पर आपने पोस्ट ने डाल रखी है। तो गाइस मैं आपको रियल बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम जैसे ही ओपन करता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर आप मतलब प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करते हो, जो भी पोस्ट मैंने डाल रखी है वो सारी यहाँ पे आ रही है। अगर इसमें से ऑटोमेटिक पोस्टें डिलीट होने लग जाती है तो गाइस आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस यहाँ पर ऑटो डिलीट का प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि ये पोस्ट है तो गाइस ये ऑटोमेटिक डिलीट हो चुकी है। तो गाइस ये किस कारण होती है वो बता देता हूँ पहले। तो जैसे कि गाइस यहाँ पर मैंने ये पोस्ट डाल रखी है, जैसे कि धाकड़ बाबू 002 एंड सत्या धाकड़, जैसे कि सत्या धाकड़ तो मैं हूँ और उसने डाल रही, उसके किसी काम सर उसने अगर ये पोस्ट डिलीट की हुई है, डिलीट कर दी, तो गाइस ये डिलीट कर दी तो गाइस उसमें से अपनी भी मतलब कि अपनी पोस्ट भी डिलीट हो जाएगी यहाँ से। मतलब कि उसने डिलीट वो बंदा अगर डिलीट करेगा तो अपने भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। और गाइस इस ये तो हो गई जैसे कि वो टैग वाली पोस्ट है। अब ये जैसे कि ये मेरी सिंपल वाली पोस्ट है, मतलब कि जिनको मैंने ही डाल रखा है, अगर ये भी ऑटोमेटिक डिलीट हो रही है तो गाइस अगर आपने इंस्टाग्राम के नियम के खिलाफ कुछ पोस्ट कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, उसमें कोई दो बात की राय नहीं है। अगर गाइस फिर भी अगर कोई ऐसी डालने रखी फिर भी अगर डिलीट हो रही है तो गाइस आपको करना क्या है कि आपको जैसे कि यहाँ पर ऑटो डिलीट की जो भी आपको मतलब प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाले से मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ थ्री लाइन वाले ऑप्शन में जाना है। थ्री लाइन वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मतलब कि सेटिंग का, तो गाइस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर बाद में यहाँ पर आपको हेल्प वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। हेल्प वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट है प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और रिपोर्ट है प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर बाद में यहाँ पर आपको डोंट कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देना है या कंटिन्यू इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको मतलब ये सबसे पहले तो वो जो स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पर लगा देना है, अपलोड कर देना है। फिर बाद में यहाँ पर लिखना है हाय इंस्टाग्राम टीम्स, अगर जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो लिख देनी है, जैसे कि ऑटो डिलीट माय पोस्ट वो लिख के मतलब कि आपको लिख देनी है और गाइस फिर बाद में सेंड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉब्लम मतलब कि 24 घंटे में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो नॉलेजफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।